ओके, मैंने ये स्ट्रिंग बना ली। आज हम लटकन बनाएंगे। लटकन ने मैं साड़ी का जो कॉर्नर था ना, जो निकाला था, वो ले लिया ऐसे। तो इसको मैंने सीधा करके यहाँ पे ऐसे ऊपर साड़ी का ही कपड़ा लिया मैंने, ये वाला भी क्रेप का ही। इसके ऊपर मैंने इसको ऐसे उल्टा रख दिया तो पिन लगा लिया है। तो जितने भी मोती है ना वहाँ से सिलाई हमने करना है, ऐसे इसको ब्रेक कर देना, नेड़े साथ साथ ही सिलाई करना। मैंने पौधा दूर नहीं करना क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा छोटा भी है कि कॉर्नर में जो एम्ब्रॉयडरी थी वो वैसे ही थी, बिल्कुल इतना पॉइंट का फर्क है तो वो छोटा है। तो मैंने इसको ऐसे एक बनाती हूँ, एक मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आके भी बहुत ज़्यादा हो गया। तकरीबन 8 पार्ट मैं इस वीडियो के अपलोड बना चुकी हूँ, अपलोड इकट्ठा ही करूँगी क्योंकि जितने भी पार्ट होंगे, ये लटकन बनाने का होगा तो एक फाइनल पार्ट होगा जो कि मैं मैनकन के डाल करके तो आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। होपफुली आज ही रात को वीडियो अपलोड यूट्यूब पर हो जाएगी, सारी पार्ट 8 के 8 तो बना चुकी हूँ, 9 और 10 हो गए। कि मेरे आईपॉड में स्पेस इतना नहीं रहेगा कि मैं वीडियो को टुगेदर कर सकूं। कोई 5 मिनट की वीडियो है, कोई 4 मिनट की है, कोई पहले वीडियो तो पूरे 10-15 मिनट की है, 20 मिनट तक भी है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बाजू का अपलोड किया है, लाइक टुगेदर करके रखा है यूट्यूब पे अनलिस्टेड, वो 4 मिनट का है। तो ये वाला जितना भी होगा 5 मिनट का होगा, 6 मिनट का होगा, वो मैं इसको भी मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं बातें कर रही हूँ, फिर मैं फॉरवर्ड करती हूँ तो कुछ और ही, जब फास्ट बोलते हैं तो किच किच होने लगता है। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं आपका ना दिखाऊँ तो ऐसे हो जाएगा कि। तो इसको मैं ऐसे, अब जो प्लेन कपड़ा है उसके उस ऊपर सिलाई, दबमी सिलाई लगाएंगे ना तो फिर नीचे नहीं जाएगा। इसमें मैंने कोई भी गोटा किनारी नहीं यूज़ की, जस्ट पाइपिंग ही यूज़ की है। तो मैंने लटकन में कुछ भी नहीं यूज़ कर रही, नो पाइपिंग, नो गोटा किनारी, कुछ नहीं, क्योंकि इस पर पल्लू के काम ही बहुत है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल अंदर जाना है इसने, तो अब मैं इसको खींच के सिलाई लगा दूंगी ना ऐसे, तो फिर अंदर ही जाएगा ऐसे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा देनी, कच्ची सिलाई लगाऊंगी पहले कि जिसके ऊपर मैं बाद में इसको इनसाइड आउट करके डोरी के साथ अटैच करना है, तो इसी सिलाई पे हम करेंगे ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट दूंगी, हम सिलाई लगाएंगे इसको ऐसे रख करके। यहाँ से पहले थोड़ा सा सिलाई कर लेते हैं, कई बार तो निकलता है, इस पर भी मोती लगे हुए हैं तो इसको भी हैंडल करना, तो ऐसे फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना। तो अब मैं इसको ऐसे सिलाई लगा देती हूँ, इसको सिलाई पूरा
सही जगह से करके लगाना है ऐसे, एंड में और स्टार्टिंग में पक्का कर देना। ये हमारा लटकन बन करके रेडी हो गया, ये देखो ये किनारी आ गई है यहाँ पे। ये मैं यहाँ से ऐसे भी कर देती तो फिर भी अच्छा था, पर मोती ब्रेक हो जाने थे। देखती हूँ मैं करती हूँ ऐसे इसको। मैं बाद में दिखाती हूँ इसको कर कर। ये हमारे दोनों लटकन बनकर रेडी हो गए। मेरे को अच्छा नहीं लगा था कि जितना ज़्यादा मैंने छोड़ा सा, पूरी की पूरी जितना भी नज़दीक हो सका मैंने मोती भी बचाने की कोशिश करी है, तो सुलगाई लगा दी है। तो इसमें भी ऐसे किया है, तो इसमें एक फ्लावर में स्टोन था ऐसा, मैंने पहले निकाल दिया था, तो इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे सुई धागे की मदद से। वाइट धागा डालेंगे इसमें क्योंकि स्टोन वाइट है। आई होप आपको मेरी जो लटकन बनाने का आइडिया अच्छा लगा होगा। तो अब बात आती है नेक को जड़ने की, इसको कैसे जड़ेंगे नेक के साथ। मैंने बैक जो पार्ट है नेक का उसकी तरपाई नहीं की अभी, इसीलिए कि मैंने लटकन अटैच करने। इसका मेजरमेंट लेते हैं ऐसे, जहाँ पे भी अटैच करना उस पर मार्क लगा लेना ऐसे। मैं तो पेंसिल के साथ मार्क लगा लूँगी, मेरे को तो दिखता है, मैं भी वीडियो में ना दिसी तो मार्क लगाते हुए तो पता चलता ना, यहाँ पे मार्क लगाना मैंने बोल दिया। तो इसको ऐसे रखना है, एक तो ये पक्का करके लगेगा तो एक इनविजिबल में तरपाई हो जाएगी इसके बीच में जा करके। एक लगाती हूँ मैं सारा काम जो पहले दिखाने वाला काम होता है वो मैं पहले करती हूँ, बाद में जो करना है। कोई मिस्टेक भी हो तो आपको पता चलता है कि मिस्टेक तो होती है, मिस्टेक तो ज़रूरी है, हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि एवरीबॉडी परफेक्ट फर्स्ट टाइम में हो जाता है, क्यों नया काम कोई भी करना है तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है। मैं बिगनर के लिए पहले से ही पहला मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये करने लगी हूँ, दूसरा पार्ट मैंने बाद में बनाया है। सभी वीडियो में मैं ऐसा ही करती हूँ, नोट करके देखना, मैं आपको बताती हूँ मिस्टेक हुआ ऐसे हो जाता है। कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो ऐसा कोई मुमकिन नहीं है कि मिस्टेक नहीं होगा। इसको ऐसे सिलाई कर लिया मैंने पाइपिंग के साथ, इसके ऊपर सिलाई करते आना जो अपनी पट्टी बनी हुई है। तो इसको तरपाई करते समय ऐसे बीच में देंगे, ऐसे बार में दिसेगा नहीं जो भी, खींच भी अच्छी पड़ती है। फिर जब ऊपर लगाते हैं तो ऊपर में ऐसे भी होता, कई बार निकलता दिखता है, तो ऐसे कोई भी नहीं होगा कि दिखेगा। इसको ऐसे ज़्यादा भी मैं छोड़ सकती थी, ज़्यादा नहीं छोड़ना क्योंकि जब बार में फिर तरपाई में फील होगा दिसेगा। ये जो पट्टी है 2 इंच की पट्टी की बनी हुई है, जो 2 इंच की पट्टी की ये स्ट्रिंग है, तो सारा इसमें कपड़ा दिया है तो थोड़ा सा मोटा भी है, तो बारीक भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा है, बारीक है बट स्ट्रॉन्ग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जब मैं इसको मैनकन के ऊपर डाल करके तो आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में फिर।